हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता। वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन एंड लाइफस्टाइल। आज मैंने एयर ब्रश की सहायता से गैलेक्सी केक बनाया है, तो चलिए बनाते हैं गैलेक्सी केक। इसके लिए मैंने सबसे पहले रेडिएंट पिंक लिया है। मैंने इसमें रेडिएंट पिंक 4 बूंद लिया था और उसमें 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम पानी डाल दिया और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इस तरीके से एयर ब्रश के अंदर इसे डाल रही हूँ और थोड़ी दूरी बनाते हुए इस तरीके से कलर करेंगे। एयर ब्रश का कलर करने में दूरी मेंटेन रखना चाहिए, नहीं तो एक ही जगह बहुत ज़्यादा कलर आ जाता है। अब मैं रेडिएंट ब्लू की कुछ बूंदें ले रही हूँ और उसमें भी 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम पानी डालकर मिक्स कर लेने के बाद मैं इसे उसी तरीके से इस पर एयर ब्रश कर रही हूँ। गैलेक्सी केक बनाने के लिए इसी तरीके से कहीं कहीं ही कलर करना है, एक साथ बहुत ज़्यादा एक ही जगह कलर नहीं करना है। अब इसमें थोड़ा डार्क ब्लू लाने के लिए मैं रॉयल ब्लू ले रही हूँ। उसी रेडिएंट ब्लू के बचे हुए मिक्सचर में मैं इस रॉयल ब्लू को भी डाल दे रही हूँ। कलर और पानी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना चाहिए थोड़ी देर तक। उसके बाद उसे एयरब्रश के कलर चैम्बर के अंदर डालना चाहिए। किसी भी कलर के ऊपर पूरा डायरेक्ट कलर नहीं करना, उसके साइड में करना है। लाइट ब्लू, डार्क ब्लू के बाद मैं अब पर्पल यूज़ कर रही हूँ। पर्पल की भी कुछ बूंदें लेकर मैंने उसमें अच्छी तरीके से पानी मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं बहुत ही कम कलर में बहुत ही अच्छा पेंट होता है एयर ब्रश से। अब मैं खाली जगहों पे और लाइट शेड, डार्क शेड के पास ही उसमें पर्पल कलर डालती जाऊँगी। पर्पल के बाद मैं एयर ब्रश के लिए जो कलर आता है मैजिक कंपनी का, उसमें ब्लैक कलर इसमें डाल रही हूँ। इसकी कुछ बूंदें मैं डायरेक्ट ही डाल रही हूँ, ये थोड़ा पतला रहता है। ब्लैक कलर को मैं नीचे साइड में ज़्यादा डालूँगी और बीच बीच में डार्क शेड दिखाने के लिए मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये कलर होता है। एयर ब्रश से बहुत ही आसानी से हम केक को कलर कर सकते हैं। ब्लैक कलर भी मैंने कर दिया है। अब मैं वाइट कलर ले रही हूँ जिसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लूँगी, हल्का सा, और उसके बाद मैं इस पे स्टार्स के लिए एक ब्रश की हेल्प से इस तरीके से छींटे मार दूँगी ताकि वो स्टार्स के जैसा दिखे। और एक ब्रश की सहायता से इस तरीके से बड़े बड़े डॉट भी दे दूंगी वाइट कलर के। आपने देखा ये केक बनाना कितना आसान है, बहुत ही आसानी से ये केक बनता है। अब मैं उसी ब्रश को इस तरीके से उंगली से झटके से मारते हुए इस पे स्टार्स बनाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर शाइन के लिए हल्का मेटेलिक गोल्ड कलर से हल्का हल्का स्प्रे करूँगी, ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है, बस इफ़ेक्ट आना चाहिए, इसलिए मैं इस पर हल्का सा इस तरीके से गोल घुमाते हुए स्प्रे कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं ऊपर भी कर ले रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से हल्का हल्का स्प्रे करना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गैलेक्सी केक बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी ही आसानी से ये केक बन गया और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, अगर केक आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। केक से रिलेटेड या एयर ब्रश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। एयर ब्रश की अनबॉक्सिंग की वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ देख सकते हैं।